ये हालत आपकी की किसने? पिंजरे के अंदर घुस कैसे गया? मुझे ये एक्सपीरियंस है, जो बोले हैं एक्सपीरियंस है सर. हमेशा ये ऐसे ही होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पिंजरे में. तो ऐसे ही चिंटू त्यागी की लाइफ में भी ऐसे ही हुआ है. एंड वो पिंजरे में है और बाकी सब लोग बाहर हैं, उसकी मेंटल स्टेट है. तो अभी मन कर रहा है पिंजरे से बाहर निकलने का कि अंदर ही रहना है? नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है, कुछ अलग है. यार कार्तिक आर्यन को निकाल लो, कोई बाहर नहीं. चलो कार्तिक आर्यन को पिंजरे से बाहर निकालेंगे. यहाँ पर मीडिया में से मेरे कुछ दोस्तों हैं जिनको हमने चावी दी. आपकी चावी से अगर कार्तिक आर्यन का ये पिंजरा खुल गया, कार्तिक आर्यन उसका आज घर ले जाना उसको. आइए, कौन कौन मीडिया में से आना चाहता है जस्ट टू ट्राई एंड ओपन दिस पिंजरा? नहीं सर लड़की, अरे वो आपको आना तो आ जाइए सर. सर आप मुझे घर पे ले जाके क्या करेंगे? चाबियां तो है, पता नहीं फ्यूचर ये. जल्दी आ जाइए स्टेज पे. कैन आई हैव की? या फिर जस्ट टेक वन की एंड जस्ट सी इफ द ताला इज गोना ओपन. ले लो एक और जस्ट वन मोर फ्रेंड. नहीं एक है, एक है. लेट्स ट्राई इफ समवन कैन ओपन कार्तिक आर्यन. क्या इनकी चाबी से ताला खुला? चाबी उन्होंने पूरी घुमा दी, उस ताले के अंदर कोई चाबी नहीं जाएगी. चाबी टूट गई. आप बैड लक है आपका. थैंक यू सो मच. ये चाबी आप अपने पास ले जा सकती हैं. ये चाबी घुसी नहीं रही. आप अगर आप आज अपना भाग्य पढ़ के आइए तो खुल सकता है. पढ़ा भाग्य सुबह सुबह? अच्छा अच्छा, ये बराबर है चाबी. ये खुल गया तो खोल दो. काम करते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाधा होने वाले हैं. ऐसे आप सबसे ही चाबी नहीं खुलने वाली. भूषण सर, जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, जब आप पहली बार सुनते हैं और जब पर्दे में देखते हैं, जो विजन आप सोचते वही लेके आप देखते हैं कि हाँ सही हो गया अभी? एब्सोल्युटली. और जब जुन्नू के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एंड तब तक मुझे मालूम नहीं था इनका नाम जुन्नू है. सर प्यार से उसको वैसे प्यार से जूनो बुलाते हैं और सर जुन्नू बुलाते हैं. जुन्नू सर जानबूझ के करते हैं, बहुत पर्पसली हमेशा. तुम्हें मैं पति बुला रहा हूँ आजकल. अरे सर याद है ना तुम्हें? हाँ सर याद है. सर कुछ और पूछ रहे सर? नहीं एक्चुअली जब कोई भी फिल्म की हम स्क्रिप्ट सुनते हैं तो मोस्टली स्क्रिप्ट की एसेंस का स्टोरी लाइन वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड जुन्नू ने जिस तरीके से जब मुझे पहली बार बोला पति पत्नी और वो का रीमेक बनाना है, तो वहीं पे एक एक्साइटमेंट आ गई थी कि इस टाइप की फिल्म बहुत टाइम से आई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी वर्क करेगी. सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम. And he has worked very, very hard on that. रात को बहुत फोन करके मुझे बहुत रात में जान किया. नहीं गानों बनाने के गानों में बहुत तंग करता हूँ भूषण जी. हर गाना चाहिए मुझे. इनकी 10 पिक्चरें चल रही है, कोई मेरे को फीडबैक के लिए बोलता है मेरे को वो भी चाहिए. सारे स्ट्रीट डांसर के गाने आपको चाहिए थे एक्चुअली. हफ्ते की शुरुआत मीडिया वालों को देते हैं विद फ्रेश न्यू कॉन्टेंट ऑफ पति पत्नी और यो. द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट्स. एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन. ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हम सबको बहुत पसंद आया. और वो आपका एक अंदाज जो रहता है, जो लुभाता है, बहुत अच्छा लगा. क्या कार्तिक, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको इस तरह की फिल्म ऑफर करी गई? व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या किरदार? क्योंकि मैं मुदस्सर की अगर बात करूँ, बहुत कामयाब फिल्में दी हैं. हैप्पी भाग जाएगी, फिर हैप्पी भाग जाएगी. अब मुझे लगता है इसका भी शायद सिक्वल लोकल बना देंगे. द ट्रेलर इज लुक सो इंप्रेसिव. तो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ की हाउ यू केम ऑन? सर मैं तो झपट के, मतलब मैं स्क्रिप्ट जब जिस दिन मैंने सुनी और मैं उसी टाइम ये था कि पति पत्नी और वो का जब मेरे को सुनने में आया था कि ये फिल्म ऐसी बन रही है, तभी डिसाइड हो गया था दिमाग में कि ये फिल्म 100% करनी है. एंड ऑफ कोर्स मतलब जैसे मुदस्सर सर हैं, ये इन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में मेहनत की और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई है, आप देख ही रहे हैं ट्रेलर में वो कितना मतलब आपको एक एक जोक पे हंसी आ रही है. एंड वी वर गैदरिंग योर रिएक्शंस आल्सो. तो सब बहुत सिचुएशनल एक कॉमेडी है. एंड हमेशा से जो भी मैंने भी जो फिल्में जो आप बोल रहे थे उससे पहले किए हैं, वो हमेशा सिचुएशन पे खेली हुई फिल्म होती हैं. एंड विच रिलेट्स, मतलब वो सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक रहता है कहीं ना कहीं. मतलब एक ये पति पत्नी और वो का टॉपिक भी बहुत रिलेटेबिलिटी है उसमें. एंड तो जिस टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और इसका आइडिया ही जब मेरे को पता लगा, सो आई जस्ट जंप्ड ऑन एंड आई जस्ट यू नो ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी. आपकी लाइफ में वो कौन है? भूमि. भूमि भूमि से पूछ रहा हूँ. अरे आपसे पूछ रहा हूँ कार्तिक सर. मेरी लाइफ में वो
मेरी लाइफ में वो कौन है, पहले पत्नी कौन है सर? पत्नी तो आपकी किस्मत तो बाद में आएगी, वो कौन है? जब वो पहले आएगी, वो पहले आएगा ना सर? बहुत सारी हैं, बहुत सारी है ना तुम्हारी? भूषण सर कह रहे हैं बहुत सारी है। भूषण जी सर माइक ले। सर नहीं, मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है सर। चिंटू त्यागी की लाइफ में वो है अनन्या, एंड पत्नी है भूमि, और मेरी रियल लाइफ में कोई वो नहीं है सर। Okay. और पत्नी भी नहीं है सर। हो जाएगी यार। किरदारों के बारे में, किरदार को लेके क्या ब्रीफ था? मेरी भी कास्टिंग अच्छी बोल दो ना सर। यकीनन यार, आप तो हैं ही। कार्तिक को ही जरूरत है आपको कहने की। साथ आके फिल्म पे चार चांद लगा दिए है ना? हाँ अनन्या, एकदम एकदम। आई थिंक जब पहली बार मैंने, मुझे पता चला कि जूनो जब मेरे पास पति पत्नी और वो लाया था, बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट थी। आई थिंक जो पुरानी फिल्म है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक है, और उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है उस फिल्म पे। और जब मुझे पता चला अनन्या कार्तिक है फिल्म में, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, बिकॉज आई थिंक बहुत ही फ्रेश कास्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट है। इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत बहुत बढ़िया है, एंड आई थिंक हम तीनों की केमिस्ट्री है ना own way is very cracking. Mudassar sir has done a fantastic job. मेरे लिए बहुत exciting था क्योंकि अब तक मैं बड़े पर्दे पे ऐसी दिखी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही I was very excited. मैंने कहा okay, new अवतार, और मैंने बहुत सी first चीज़ें की है इस फिल्म में। थोड़ी बहुत झलकी आपने देखी, जैसा ये साल रहा है मेरा उसके लिए आई थिंक जो कल्मिनेशन है पति पत्नी और वो जो वेदिका त्रिपाठी का किरदार है, इट्स द बेस्ट वे आई कुड हैव एंडेड माय ईयर। एंड बहुत ही फन फिल्ड फिल्म है, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है एट द सेम टाइम, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है टू बोथ द जेंडर्स, और आप बस हंसते खेलते इसको एक्सपीरियंस करते हैं। फैंटास्टिक गाने हैं, एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट। जी, पति पत्नी और वो आइकॉनिक फिल्म है, और गाना भी था ठंडे ठंडे पानी, तो ये गाना रहेगा या फिर अगर नहीं रखा है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? मतलब क्या इस गाने के बारे में बताएंगे आपको? नहीं रखा है, इट्स नॉट इन द फिल्म, इट्स एन अडैप्टेशन, पर ये गुनगुनाता रहता है। बट लाइक आई सेड, द फिल्म इज एक्चुअली एन अडैप्टेशन, एंड इट्स जस्ट आवर वॉइस आर दिस थिंग, सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट एंड वी मूव। माय क्वेश्चन इज टू कार्तिक आल्सो। कार्तिक, हाय। यो यो सर, या सर, आपने पहली फिल्म देखी थी जो संजीव कुमार जी की थी, या फिर कभी जहन में आप शायद अगर देखी हो तो, या नहीं देखी थी तो ये फिल्म के बाद आपने सोचा था कि यू विल बी वॉचिंग दैट फिल्म? एंड सर मैंने बहुत पहले देखी थी वो फिल्म, एंड अगेन मतलब माय मॉम डैड दे हैव बीन अ फैन ऑफ यू नो पति पत्नी और वो, और पूरी एक जनरेशन इस कल्ट क्लासिक फिल्म के फैन रहे हैं। मैंने जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब उसके बाद ये एक डिसीजन लिया था कि मैं नहीं देखता हूँ ये फिल्म, बिकॉज इरिस्पेक्टिव वो मतलब मैं अपने एक तरीके से काम करना चाहता था इस फिल्म में, और एक नयापन अगर इस फिल्म में ला रहे थे और एक मॉडर्न टेक जिस फिल्म में लेकर आ रहे थे, तो उसमें अगर मैं वो चीज़ देखता तो वो गलती से भी मेरे सबकॉन्शियस लेवल से भी वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ ट्राई की है इसमें। तो आई डेंट वॉच इट अगेन, बट मैंने बहुत पहले शायद से सालों पहले फिल्म देखी थी शायद टी वी पे, दैट्स अबाउट इट। बट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी, मतलब संजीव साहब वो लेजेंडरी रहे हैं हमेशा से, एंड दिस होल फिल्म पति पत्नी और वो, इसका टाइटल ही इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल है कि ऑटोमेटिकली आपको पूरी फिल्म भी कहीं ना कहीं दिखती है। सेम थिंग फॉर भूमि आल्सो, लाइक विद्या सिन्हा जी वाज देयर, वो आई डोंट रिमेंबर वो कौन था। हाँ रंजीत, हाँ you same question I'm asking you all. Yeah, again I'd seen it like years ago, lekin jab mere paas Juno film laya tab maine socha maybe I should watch it, but then maine nahi dekhi because jaise Kartik ne kaha ki ek new age take hai on the whole film, जो ये टाइप की रिलेशनशिप होती है उसका एक मॉडर्न वर्जन है, सो आई डोंट रियली फील द नेसेसिटी टू गो वॉच इट, यू नो, बट इट्स अ कल्ट क्लासिक एंड दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स, एंड आई रियली होप जितना मज़ा तब लोगों को पति पत्नी और वो देखकर आया था, अब और भी ज़्यादा मज़ा है क्योंकि हमने तो बहुत मज़े किए फिल्म में। अच्छा मुदस्सर जी, एक सवाल है सर। हाँ, सवाल खत्म हो जाए। मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे वो गाना आदम और हवा दोनों वो बहुत पसंद है। तो हाँ, ग्लैमरस आई थिंक हमारी फिल्म में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है, और हाँ मुझे बहुत फ़नी लगी, पर आई थिंक हमारी फिल्म मॉडर्न वर्जन है, आज और ज़्यादा रिलेट करेंगे लोग। हाँ, तो पर मुझे ओरिजिनल भी बहुत पसंद है। अच्छा मुदस्सर जी, मेरा सवाल ये था कि पुरानी फिल्म तो सभी ने देखी क्लासिक जी,
जब इसका रिमेक बन रहा है तो डेफिनेटली कुछ चेंजिंग तो आपने किए होंगे, तो या फ्रेम टू फ्रेम? जी, मैं इत्तेफाक से इन्होंने वो सवाल मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं किया, वरना उसके जवाब में मैं ये कहता कि मैंने वो फिल्म 100 मरतबा देखी उनसे, तो उसका दरअसल रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था कि जब पीआर साहब वो फिल्म बना रहे थे 1978 में, ही वॉज मेकिंग अ वेरी बोल्ड फिल्म फॉर 1978. हम सब ये बात जानते हैं कि फिर दौरे जमा बदला है, दशक पे दशक लोगों के सोचने के तरीके बदले हैं, तो वो बोल्ड फिल्म जो सन 78 के लिए बोल्ड मानी जाती थी, वो शायद 2019 में हमको उसको विद अ सर्टन पास्ट इन माइंड देखना पड़ता. तो 2019 के लिए अगर आपको एक बोल्ड फिल्म बनानी थी, और 2019 में अगर आपको पति पत्नी और वो के रिश्ते को अगर एक सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन और एक कंप्लीशन देना था टू व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, तो जाहिर था कि उसको एक नए सिरे से लिखना पड़ता. तो ये कोशिश मेरी रही है कि मैं उस एसेंस को जो बी आर साहब ने उस फिल्म में कहने की कोशिश की थी, उस एसेंस को बरकरार रखूं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से उसमें कुछ एक ऐसी बातें कहूं जो आज रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट हो गई हैं हम सबके पास. माय क्वेश्चन इज फॉर हेलो जूनो, ऑन योर राइट जूनो राइट. यू नो ये फिल्म की कास्टिंग को लेके भी काफी बैक एंड फोर्थ हुआ था, यू नो लॉट ऑफ न्यूज़ एंड हैपेंड. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट हाउ द कास्ट फाइनली केम अराउंड एंड तापसी वाज आल्सो सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इनिशियली बट शी हैड वॉक्ड आउट. सो कैन यू गिव अस सम सवाल. आई थिंक आपने ही पूछा था स्टार्ट किया कि नहीं. आई एम आस्किंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. Always when I saw the film, I saw Kartik, Bhumi and Ananya, and I promise you this, they don't know that I took very long to convince them, and they know that including Bhumi, including Ananya was actually the easiest one. Yeah. It was easily good. But, yeah. And for me, when I heard the script and when we worked on the script, these are the only people I saw, and they were always my first friends, and I was very, very happy, and I just enjoyed working with them. Of them have been just exhilarating. It's been such a fun ride. And yeah, see, everyone's laughing because they give me a lot of stress also. You think he looks like a stressful producer? बाल भी खड़े होने लग गए. भूषण सर, आई वांटेड टू आस्क यू, यू आर वर्किंग विद कार्तिक इन पति पत्नी और वो, देन इन भूल भुलैया 2. सो हाउ इज इट वर्किंग विद कार्तिक दैट यू हैव कास्ट हिम अगेन इन वन ऑफ द सोनू के टिटू की स्वीटी में. सोनू के सीट सर, इतना क्यों काम कर रहे हो सर मेरे साथ? तुम चल रहे हो ना आजकल, इसलिए कर छक्का मार दिया सर, आउट ऑफ बाग. नहीं, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड जिस तरीके की इस पिक्चर में किरदार चाहिए था, एंड आई थिंक कार्तिक उस पति के किरदार में बहुत अच्छा सूट किया है, इसलिए वी कीप ऑन. एंड भूल भुलैया इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं. आई वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम भूमि. इन 3 मंथ्स यू आर शोइंग अस 3 डिफरेंट साइज ऑफ योर सेल्फ. पीपल एक्सेप्टेड यू सो मच फॉर सांकिया. नाउ यू आर डूइंग अ डिफरेंट रोल इन बाला, एंड देन पति पत्नी वो इज एक्सट्रीमली डिफरेंट. सो हाउ डू यू मैनेज टू डू दिस? हाउ इज डिफिकल्ट इज इट टू गेट इन टू द स्किन ऑफ ईच कैरेक्टर? It is difficult because the earlier 2 films are extremely different. It's just difficult every time, even to Pati Patni Aur Woh, because as I said even earlier, I've not seen myself like this on the big screen. You know, in my head and in my real life, I'm always like this, but the audience has not seen me like this. So it was very exciting for me to play Vedika, because I was like, okay, a new avatar, and a lot of work goes into it, and it's not my work alone. There's an entire team that works behind creating a character. Where Vedika specifically is concerned, I remember having like long conversations with Juno, Mudassar sir, all of us actually. We would sit and we would talk about what every character's attributes are, you know, what is she. So for me, she is somebody who's always full of oomph, you know. She knows who she is, she's a very confident girl, she knows she has a certain effect on the opposite gender, and she's just strong, you know. Ananya, just one question. Your first film was also a love triangle. Here also it's a love triangle. So what is that connect with you? I just think I attract love triangles. Everywhere I go, there's a love triangle. So I don't know, yeah, what to do. Mera sawal Kartik se hai. Kartik, ma'am.
तुम्हारा चेहरा बहुत मासूमियत भरा है लेकिन रोल तुमको सारे नॉटी नॉटी वाले मिलते हैं. नॉटी नॉटी बॉय. तो इस मासूमियत के साथ ये जो नॉटीनेस है उसको कैसे ब्लेंड करते हो? मैम वो रोल में को नॉटी मिलता है, शक्ल मासूम है, तो ब्लेंड अपने आप हो जाता है. तो वो कुछ मैम अंदर से नॉटी है ना, लेकिन तो आसानी से कर लेते हैं. बोलना नहीं चाह रहा था. वो बाहर हाँ मुदस्सर सर लेकर आए हैं स्क्रीन पे सर. बट मैम बट मतलब वो एक्चुअली में अगर वो किरदार कुछ कर रहा है तो वो आप जैसे फिल्म भी जब देखें तो हमेशा वो कुछ सही ही कर रहा होता है. वो गलत मतलब ऐसा नज़र ऐसा आता है कि वो गलत कर रहा है. चाहे इससे पहले की भी फिल्में मैं बात करूँ, चाहे लुक्का छुपी हो, चाहे सोनू के टीटू की स्वीटी हो, वो अपना इंटेंशन उसका करेक्ट इंटेंशन हमेशा से रहा है उस कैरेक्टर का. अब वो थोड़ी सी नॉटीनेस हमें हमेशा पसंद आती है जो ट्रैक पे वो जानते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए. तो वो एक चीज़ है जो हमेशा कई बार आपके किरदारों में होती है एंड वो कभी कभी उसमें मज़ा भी आता है, फनी भी लगता है. तो पति पत्नी और वो में भी ऐसे ही. मुदस्सर जी ये सवाल आपसे पूछा नहीं, इसके अलावा भी पति पत्नी और वो के अलावा भी बीच में एक फिल्म आई थी रंग बिरंगी जिसमें जो वाइफ का किरदार पर बॉबी ने निभाया था वो काफी प्रोग्रेसिव था. जैसे आपकी पत्नी है उसने काफी बोल्ड बिल्कुल ट्रेलर में कहा कि सेक्स पसंद है तो वो भी काफी बिल्कुल बिल्कुल. तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में आपकी जो आपकी जो कैरेक्टर है वो कितने डिफरेंट? मतलब मैं आपको आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू कॉम्प्लीमेंट यू. आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल पूछा क्योंकि देखिए रंग बिरंगी क्योंकि आपने देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म का लास्ट डायलॉग जो है वो है उत्पल दत्त घंटी बजा करके कहते हैं बी आर चोपड़ा को पकड़ के लाओ. दैट्स द लास्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म. रंग बिरंगी वॉज ऋषिदास वे ऑफ कमेंटिंग ऑन द आइडिया ऑफ पति पत्नी और वो. सी दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैम. ये अच्छा पति पत्नी और वो में वो का जेंडर भी कोई स्पेसिफिक नहीं है ना इस बात की कोई जो है बंदिश होती है कि वो कोई शख्स हो. वो एक गैप हो सकता है, वो एक नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है, कई सारी चीज़ें. तो फिल्म मेकर्स को हमेशा ये टॉपिक जो है अट्रैक्ट करता है. तो जब जूनो मेरे पास आए थे और जाहिर है कि मतलब उन्होंने भी इसके ऊपर खूब विचार किया होगा जब मेरे पास आए थे, जब उन्होंने अपने ही नेगेटिव्स में से इस फिल्म को चुना कि यार पति पत्नी और वो को रिक्रिएट करते हैं, लेट्स सी व्हाट योर टेक इज ऑन दिस. और आप यकीन कीजिए मैं रंग बिरंगी का उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना पति पत्नी और वो. तो आप जब ये फिल्म देखिएगा तो आपको दोनों अंश जो हैं इसमें मिलते रहेंगे. आई हैव टेकन द कॉमिक पिंच ऑन द आइडिया ऑफ एडल्ट्री एज मच एज आई हैव यू नो ट्राइड टू इन्वोक द इशू. मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में जिस चीज़ की खलिश रह जाती है शायद इंसान उसको स्क्रीन पे पूरा करने की कोशिश करता है. तो मेरी अपनी नहीं चली तो मैं सोचता हूँ कि स्क्रीन पे किसी की तो शादी चल जाए. कार्तिक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम. बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेलर. इट्स अ बिग चैलेंज टू रिक्रिएट सच अ क्लासिक. मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं हमें वो ग्लिम्स दिखता है जैसे एक मोनोलॉग जो आपका फेवरेट जो रहा है मतलब आपके साथ ट्रेडमार्क, कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई मोनोलॉग वाला सीन है जैसे वो अपार शक्ति वाला देखा था. इज इट कोई ऐसा मोनोलॉग वाला सीन है? पहली बार जैसे फर्स्ट क्वेश्चन. वो तो आप जब पिक्चर देखेंगे तब आपको ज़्यादा बता पाएंगे. बस कुछ ही दिनों में रिलीज भी हो जाएगी अभी छोटा सा एक्टिविटी हमारा. बट ये हाँ ये एक चीज़ हमेशा रही है कि चाहे वो पंचनामा में लास्ट मोनोलॉग किया था मैंने पंचनामा 2 में, उसके बाद से मतलब जो भी फिल्म आई सोनू के वक्त भी ये मेरे से बहुत पूछा गया था क्योंकि हमारी सेम टीम थी पूरी. भूषण जी को चाहिए भी था मोनोलॉग शायद सोनू के. बट इट डिड नंबर्स एंड वी वर रियली हैप्पी. एंड सोनू के बाद इनफैक्ट लुक्का के जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे आए थे तब भी मुझसे पूछा गया था कि ये मोनोलॉग होगा इसमें कि नहीं. तो वो मोनोलॉग का एक हमेशा रहा है कि किसी ना किसी फिल्म में आएगा. बट इट्स मोर टू डू रैदर देन मी, इट्स मोर टू डू विद द फ्रेंचाइज विद द फिल्म एंड लव रेनल्स. तो वो उनका ज़्यादा वो है. लेकिन इस फिल्म में है कि नहीं वो आप एक अलग तरीके से भी शायद है कि नहीं वो आप देखेंगे जब फिल्म आएगी. जी जी सवाल क्या था? 100% मतलब वो हमेशा से रहा है एंड वही चीज़ मतलब वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर या फिर कंटेंट या फिर फिक्शन ही क्यों ना हो लेकिन जब तक आप पे वो कंटेंट नहीं है एक्सेप्टेंस नहीं आती. एंड इनफैक्ट वो कंटेंट में ही एक मज़ा आता है विच इज़ इनफैक्ट विद पति पत्नी और वो अभी देखो कंटेंट की बात. तो विद आर फिल्म ऑल्सो पति पत्नी और वो इट्स समथिंग वो ट्रेलर पसंद आया ना.
तो वो पसंद ही इसलिए आया क्योंकि कंटेंट उसमें पूरा झलक रहा है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा. एंड एक चीज़ और मैं मतलब ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ इस पूरी चीज़ में, कंटेंट क्रिएशन में, तो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, मुदस्सर सर, जूनो एंड भूषण सर, मतलब दे हैव बीन रियली एक्टिव एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. ये ट्रेलर और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इनकी वजह से. भूषण सर जिस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं यंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उन पर बिलीव दिखा रहे हैं, आई मीन ये बहुत एक अच्छा एमलगेशन है, एक मिक्सचर है जिसमें वो उनको पूरी तरह से एक फ्रीडम दे देते हैं. तो वो एक बहुत कम लोगों में वो चीज़ होती है. एंड एक ऐसे इंसान है जिन पे इतना पैसा है और वो ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मतलब सीरियसली हैट्स ऑफ टू हिम. एंड जूनो के लिए भी बोलना चाहूँगा कि इनको एक टैग इसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर का दिया गया है और वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए कि ना वो प्रोड्यूसर हुए ना वो डायरेक्शन हुए. लेकिन आई मस्ट टेल दिस कि ये जूनो ने बहुत मेहनत की इस फिल्म में फ्रॉम डे वन, मतलब फ्रॉम कास्टिंग, फ्रॉम मतलब एवरीथिंग, बनने के प्रोसेस से लेकर अभी आपके सामने तक. इनका पैशन जो है जुन्नू का वो ही यहाँ पे चीज़ें, मतलब ये सारी एक साथ जो आ रही है वो काफ़ी हद तक, मतलब एक बहुत कम लोगों में ऐसा कन्विक्शन और पैशन है जो जूनो में. सो अगेन मैं वो क्रेडिट देना चाहूँगा आपको. सर आप ताली बजा रहे हैं, आपकी भी तारीफ करना चाहिए क्योंकि इस बीन द कैप्टन ऑफ द शिप. जूनो एक्चुअली ये चीज़ पति पत्नी और पूरी तरीके से उन्होंने बनाई है और हम सब एक्टर्स को एक साथ कनेक्ट किया. इतना प्रोसेस में जो एक मज़ा आता है वो प्रोसेस में, मतलब अब अगर डायरेक्टर उस प्रोसेस में मज़ा लेके आपसे काम ना करवाए तो आपको भी वो एक फील आती है, जो वाइब है और जिस तरीके की फिल्म दिख रही है आपको, वो इट्स बिकॉज ऑफ फिल्म. एंड रियली वो ना यू नो जस्ट हैट्स ऑफ. यू राइटली सेड दैट हाउ प्रेजेंट इज सो इंपॉर्टेंट व्हाइल लुकिंग एट अ क्लासिक एंड नो व्हाइल ही मेकिंग. सो डिड यू हैव आल्सो, वर यू वेरी कॉन्शियस ऑफ नो इट नॉट बीइंग सेक्सिस्ट बिकॉज दिस होल कॉन्सेप्ट कैन बिकम दैट. As I said earlier, this is a film that is a lot of fun. You know, there are a lot of it's a situational comedy, but at the same time, it's not frivolous. I said this earlier as well. It's very empowering to both the genders. There's nobody who's black or white in life as well. And I think the makers have really been very conscious to make sure that they do not turn this into a sexist, baseless film. This is not that at all. You know, I think any of us, everybody who's a part of the film, Bhushan sir, Juno, Mudassar sir, the three of us, I don't think we belong to that school. And I think we've been, especially the makers, they've been extremely conscious of the fact that it does not hurt sexist comedy. So the moment I read it, I was like, this is beautiful, and that's what excited me the most about this film, that this can go wrong so easily, but they've been so sensitive and they've been so careful, and it's a very big achievement, like a really big achievement, and I must congratulate them. Well, you know, I'll sum it up for you in a few words. It's very simple. I've always put women at the forefront of the films I've made. You know, this one is no different. You'll realize that he is the situation and they drive the situation. So it was very important, and I'm glad you asked this question. It was very important to look at Pati Patni Aur Woh the way it's come out now. So thank you very much for asking that question. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस फिल्म में हम लोग के अलावा मतलब एक बहुत बड़ी कास्ट है जो आप ट्रेलर में भी देखते हैं, जिस तरीके से सब लोगों ने इसमें परफॉर्म किया है. मतलब मेरी दोस्ती आपको अपार के साथ आपने देखी है लुक्का छुप्पी में, और ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर. हमारे साथ आज नहीं है, सॉरी, हमारे साथ आज यही है. जोरदार तालियां फॉर अपार शक्ति खुराना. But you have to watch the film. जिस तरीके से ये दोस्ती आपको दिखेगी इस फिल्म में, वो अलग तरीके की, मतलब एक एक हर चीज़ में जिसके पास मैं जाता हूँ इस फिल्म में वो ये है. एंड रिजवी साहब, दूसरी बात ये है कि मैं दूसरी कास्ट भी, मतलब यहाँ पे नहीं है कोई भी, मनु ऋषि सर या मैम प्लीज स्टेज पर आती है. तो ये पूरी बहुत बड़ी एक कास्ट है जो आप जब फिल्म रिलीज होगी तब आप देखेंगे. एंड
all done a wonderful job, and I'm very thankful to you for Young team has tried very hard to make a good job.